प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला मंडी पुलिस का क्षेत्र में हेरोइन के काले कारोबार पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। ताजा मामले में बीती देर रात एसआईयू मंडी की टीम ने चिट्टा तस्करों पर एक और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। एसआईयू टीम द्वारा सलापड़ पुल पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी द्वारा टोपी के अंदर छुपाकर ले जा रहे चिट्टे को बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से मनाली जा रही एक बस को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान बस की सीट नंबर 21 पर बैठे एक युवक की गतिविधि संदिग्ध होने पर शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान जिला मंडी के ही निवासी 27 वर्षीय शिवम कुमार द्वारा टोपी में छुपाकर ले जाया जा रहा 3.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर गुरुवचन सिंह रणौत ने की है। हिमाचल सरकार द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में नशे को जड़ों से खत्म करने के लिए पुलिस विभाग सतर्क है, जिसमें एसपी मंडी श्री गुरुदेव चंद शर्मा द्वारा बनाई गई एक स्पेशल टीम जो कि जगह जगह दबिश दे रही है तथा खुफिया सोर्स से नशे को पकड़ने के हर भरसक प्रयास कर रही है। रात को भी सलापड़ के पास 3.76 ग्राम हीरोइन चिट्टा शुभम निवासी समखेतर वार्ड मंडी से बरामद किया है। शुभम जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, आइंदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हर प्रकार से हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है।